वैसे तो सलमान खान हर संडे को इविक्टेड कंटेस्टेंट का नाम अनाउंस करते हैं, लेकिन इस बार मेकर्स ने ऑडियंस को सरप्राइज करते हुए एक दिन पहले ही मायशा को घर भेज दिया। इस हफ्ते उमर के साथ कैप्टेंसी की दावेदार रही मायशा कम वोट मिलने की वजह से शो से बाहर हो गई। अपनी लेडी लव की घर से बाहर होने की खबर सुनकर उनके बॉयफ्रेंड ईशान सहगल फूट फूट कर रोने लगे। ये देखकर मायशा ने ईशान को गले लगाते हुए कहा कि अगर मैं इस शो से बाहर नहीं होती तो शायद इस शो से आप बाहर हो जाते। इस हफ्ते मायशा के साथ सिम्बा नागपाल, अफसाना खान, उमर रियाज, ईशान सहगल भी घर से बाहर होने के लिए नॉमिनेटेड थे। लेकिन ये ट्विस्ट यहाँ पर खत्म नहीं होता। घर वालों को दूसरा झटका तब लगा जब आज के एपिसोड में ईशान भी बाहर हो गए। जी हाँ, दो दिन और दो इविक्शन। अब ये तो बिग बॉस की हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि दोनों दिन किसी कंटेस्टेंट को घर छोड़कर जाना पड़ा। वैसे तो घर में काफी टाइम से ईशान और मायशा के बीच भी काफी लड़ाई हो रही थी, पहले राजीव के आने से और फिर जय की इधर की बात उधर करने से। बट अब लगता है फाइनली दोनों घर के बाहर मिलकर अपने डिफरेंसेस सॉल्व कर पाएंगे। इतना ही नहीं, सलमान खान ने सिम्बा और उमर रियाज का मैटर भी इस वीकेंड के एपिसोड पर उठाया, जिसको लेकर उनको सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जा रहा था। उन्होंने सिम्बा को समझाते हुए बोला कि उनका एक्शन गलत था और अगर बिग बॉस चाहे तो इसके लिए उन्हें सजा भी दे सकते हैं, पर उन्होंने सिम्बा को वार्निंग देकर छोड़ दिया। वेल, अब ईशान और मायशा के घर से बाहर होने के बाद घर के अंदर किसकी लव स्टोरी बनती है, ये देखना बहुत ही दिलचस्प रहेगा। बाकी बिग बॉस की खबरों के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।